तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको टॉप 10 आईआईटी कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं टॉप 10 आईआईटी इन इंडिया 2021-2022, टॉप 10 आईआईटी कॉलेजेस इन इंडिया रैंक वाइज टॉप 10 आईआईटी कॉलेज। टॉप 10 आईआईटी इन इंडिया। हमारे देश में ऐसे कई इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनका देश के अलावा विश्व के बेहतरीन कॉलेज की सूची में नाम आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉप 10 आईआईटी कॉलेज इन इंडिया के बारे में। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग NIRF द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताया गया है, जहां पर उनके हाल ही वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर इस सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में जगह बनाना इतना आसान काम नहीं है, जहां पूरे देश से इन्हें चुना जाता है। बताया जा रहा है कि इन टॉप 10 शिक्षण संस्थानों को तकनीकी क्षेत्र के बेस्ट 3000 संस्थानों में से चुना गया है। इन टॉप 10 संस्थानों का चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा किया गया है। इस टॉप 10 की लिस्ट में टॉप 10 पर IIT कॉलेज का ही कब्जा है। तो आइए जानते हैं देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में। तो इनमें से एक पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। टॉप 10 IIT इन इंडिया की सूची में मद्रास को पहले नंबर पर रखा गया है। IIT मद्रास का निर्माण 1959 में किया गया था। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के उच्चतम शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। एक आवासीय संस्थान है जिसमें लगभग 550 फैकल्टी, 8000 छात्र और 1200 प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी हैं और लगभग 250 हेक्टेयर की खूबसूरत भूमि में स्थित एक स्वनिहित परिसर है। यह कैंपस चेन्नई शहर में स्थित है, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। नंबर 2 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। टॉप 10 IIT इन इंडिया की सूची में दिल्ली को 2 नंबर पर रखा गया है। IIT दिल्ली का निर्माण 1961 में किया गया था। तब से लेकर अब तक IIT दिल्ली देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल होता रहा है। 1961 में दिल्ली में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में स्थापित संस्थान को बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संशोधन अधिनियम 1963 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली कर दिया गया। तब इसे अपनी शैक्षणिक नीति तय करने, अपनी परीक्षाएं आयोजित करने और अपनी खुद की डिग्री प्रदान करने की शक्तियों के साथ एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अपनी स्थापना के बाद से इंजीनियरिंग, शारीरिक विज्ञान, प्रबंधन और मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित 48,000 से अधिक छात्रों ने विभिन्न विषयों में IIT दिल्ली से स्नातक किया है। इनमें से लगभग 5,000 छात्रों से उपने PhD की डिग्री प्राप्त की है। तीसरे नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। टॉप 10 IIT इन इंडिया की सूची में बॉम्बे को तीसरे नंबर पर रखा गया है। IIT बॉम्बे का निर्माण 1958 में किया गया था। IIT बॉम्बे से कई शख्सियत निकली है जिन्होंने हर फील्ड में देश का नाम रोशन किया है। IIT बॉम्बे विदेशी सहायता के साथ स्थापित होने वाला पहला IIT था। इस IIT बॉम्बे को यूनेस्को से धन तत्कालीन सोवियत संघ के चलन रूबल्स के रूप में मिला था। 1961 में संसद ने IIT को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में घोषित किया गया। तब से IIT बॉम्बे दुनिया के शीर्ष तकनीकी विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार हो गया। नंबर 4 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। टॉप 10 IIT इन इंडिया की सूची में कानपुर को चौथे नंबर पर शामिल किया गया है। IIT कानपुर की स्थापना 1959 में की गई थी। इसे अमेरिका और भारत के सहयोग के तत्वाधान के तहत अमेरिका के 9 विश्वविद्यालयों के सहयोग से हुई। IIT कानपुर मुख्य रूप से विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में शोध तथा स्नातक शिक्षा पर केंद्रित एक प्रमुख भारतीय तकनीकी संस्थान बनकर उभरा है। सन में सम 1963 स्थान का स्थानांतरण वर्तमान स्थान पर हुआ। तो नंबर 5 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। टॉप 10 IIT इन इंडिया की लिस्ट में खड़गपुर को 5वें नंबर पर रखा गया है। यह सबसे पुराना IIT संस्थान है जिसका निर्माण भारत सरकार द्वारा 1951 में किया गया था। भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान माना है और इसकी गणना भारत के सर्वोत्तम इंजीनियरिंग संस्थानों में होती है। 1947 में भारत की आजादी के बाद IIT खड़गपुर की स्थापना उच्च कोटि के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए हुई थी। भारत के सभी IIT संस्थानों में से इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, साथ ही यहां के विभाग और छात्रों की संख्या भी सबसे अधिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टॉप 5 IIT कॉलेज के बारे में आपको बताया। और अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो कृपया इसे शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए।